आदरणीय सभापति जी, सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है। लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। वैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ सवाल भी पूछे हैं, उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे मुझे खात्री है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय की इस सदन में चर्चा की है। मैं आदरणीय देवेगौड़ा जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस पूरी चर्चा को एक गंभीर्य दिया और उन्होंने सरकार के जो अच्छे प्रयास है उसकी सराहना भी की, क्योंकि वो किसानों के लिए समर्पित रहे हैं जीवन भर, और उन्होंने इस सरकार के प्रयासों की सराहना भी की और उन्होंने अच्छे सुझाव भी दिए। मैं आदरणीय देवेगौड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, खेती की मूलभूत समस्या क्या है, उसकी जड़ें कहां है, मैं आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने जो विस्तार से वो बताया था उसी का जिक्र करना चाहता हूं। बहुत लोग हैं जो चौधरी साहब की विरासत संभालने का गर्व करते हैं, वो जरूर इस बात को समझने का शायद प्रयास करेंगे। वो अक्सर 1970-71 जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था उसका जिक्र उनकी भाषण में हमेशा आता था और उल्लेख करते थे। चौधरी चरण सिंह जी ने क्या कहा था, उनका कोट है, किसानों का सेंसस लिया गया तो 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 2 बीघे से कम है, 2 बीघे नहीं है, 2 बीघे तक है, 2 बीघे से कम। 18% जो किसान कहलाते हैं उनके पास 2 बीघे से 4 बीघे जमीन है, यानी आधा हेक्टर से 1 हेक्टर, ये 51% किसान है। ये चाहे कितनी मेहनत करे अपनी छोटी सी जमीन पर इनकी गुजर ईमानदारी से उसमें हो नहीं सकती। ये चौधरी चरण सिंह जी का कोट है। छोटे किसानों की दयनीय स्थिति चौधरी चरण सिंह जी के लिए बहुत ही हमेशा पीड़ा देती थी और हमेशा उसकी चिंता करते थे। अब हम आगे देखें, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टर से भी कम जमीन होती है, 1971 में वे 51% थे, आज 68% हो चुके हैं। यानी देश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% प्रति किसान ज्यादा किसान के पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या देश की कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या हमने कभी हमारी योजनाओं के केंद्र में इन 12 करोड़ किसानों को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? ये सवाल का जवाब चौधरी चरण सिंह जी हमारे लिए छोड़कर के गए हैं, हमें जवाब को ढूंढना होगा। हमें चौधरी चरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भी, इस काम के लिए जिसको जो सूझे, जिसको मौका मिले, सबने करना होगा, तब जाकर के हम इन कर सकते हैं। अब पहले की सरकारों की सोच में छोटा किसान था क्या? अगर एक बार हम थोड़ा सोचेंगे तो ध्यान आएगा। मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हमने सचमुच में, हम सबने सोचने की आवश्यकता है।
जब हम चुनाव आते ही एक कार्यक्रम करते हैं कर्ज माफी, अब वो किसान का कार्यक्रम है कि वोट का कार्यक्रम है, वो तो हिंदुस्तान में हर कोई भलीभांति जानता है। लेकिन जब कर्ज माफी करते हैं तब छोटा किसान उससे वंचित रहता है, उसके नसीब में कुछ नहीं आता है, क्योंकि कर्ज माफी जो बैंक से लोन लेता है उसके लिए होती है। छोटा किसान का बेचारा बैंक में खाता नहीं, वो कार लोन लेने जाएगा। हमने छोटे किसान के लिए नहीं किया है, भले ही हमने राजनीति कर ली हो। एक दो एकड़ जमीन वाले किसान जिसके पास बैंक का खाता भी नहीं है, न वो कर्ज लेता है, न कर्ज माफी का फायदा उसको मिलता है। उसी प्रकार से पहले की फसल बीमा योजना क्या थी, एक प्रकार से वो बीमा जो बैंक गारंटी के रूप में काम करता था, और वो भी छोटे किसान के लिए तो नसीब ही नहीं होता था, वो भी उन्हीं किसानों के लिए होता था जो बैंक से लोन लेता था और उसका इंश्योरेंस होता था, तो बैंक वालों को भी एक विश्वास हो जाता था, चल जाता था। आज 2 हेक्टर से कम कितने किसान हो गए जो बैंक से लोन रहे। सिंचाई की सुविधा भी छोटे किसान के नसीब नहीं हुई। बड़े किसान तो बड़ा बड़ा पंप लगा देते थे, ट्यूबवेल कर देते थे, बिजली भी ले लेते थे और बिजली भी मुफ्त मिल जाती थी, उनका काम चल जाता था। छोटे किसान के लिए तो सिंचाई के भी लिए दिक्कत थी, वो तो कभी ट्यूबवेल लगा ही नहीं सकता था, कभी कभी तो उसको बड़े किसान से पानी खरीदना पड़ता था और जो दाम मांगे वो दाम देना पड़ता था। यूरिया, बड़े किसान को यूरिया प्राप्त करने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, छोटा किसान को रात रात लाइन में खड़े रहना पड़ता था, उस पर डंडे चलते थे और कभी कभी तो बेचारा यूरिया के बिना घर वापस लौट जाता था। ये हम छोटे किसानों के हाल जानते हैं। 2014 के बाद हमने कुछ परिवर्तन किया, हमने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया ताकि किसान, छोटा किसान भी उसका फायदा ले सके, और बहुत मामूली रकम से ये काम शुरू किया। और पिछले 4-5 साल में फसल बीमा योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपये, ये छोटी रकम नहीं है, 90,000 करोड़ रुपये उसके क्लेम किसानों को मिले। कर्ज माफी से भी आंकड़ा बड़ा हो जाता है। छोटा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, हमारे यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड हुए, लेकिन बड़े किसानों तक गए और वो बैंक से बहुत ही कुछ तो राज्यों में 0% से ब्याज से उनको मिल जाते थे पैसे, और उनके कोई ना कोई दो धंधा व्यापार होता था, पैसे वहाँ भी लग जाते थे। छोटे किसान के नसीब में ये नहीं था। हमने तय किया हिंदुस्तान के हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देंगे। इतना ही नहीं, हमने उसका तो दायरा फिशरमैन तक भी बढ़ा दिया ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, और 2.25 करोड़ से ज़्यादा किसानों तक ये किसान क्रेडिट का काम पहुंच चुका है, और बाकी भी राज्यों से आग्रह कर रहे हैं कि लगातार उसको आगे बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें, और राज्यों की मदद जितनी ज़्यादा मिलेगी उतना ज़्यादा ये काम हो जाएगा। उसी प्रकार से हम एक योजना ले आए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, सीधे किसान के खाते में, और ये गरीब किसान को जिसके पास कभी इस प्रकार की मदद नहीं पहुंची है। 10 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनको इसका लाभ मिल गया, और अगर बंगाल में राजनीति आड़े ना आती तो बंगाल के किसान भी अगर जुड़ गए होते तो ये आंकड़ा उससे भी ज़्यादा होता, और अब तक 1,15,000 करोड़ रुपया इन किसानों के खाते में गया। ये गरीब छोटे किसान, उनके पास गया है। हमारी सब योजनाओं के केंद्र बिंदु में सॉइल हेल्थ कार्ड, हमने 100% सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कही ताकि हमारे छोटे किसान को भी उसकी जमीन कैसी है, कौन सी उपज के लिए योग्य होगा, हमने 100% सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए काम किया। उसी प्रकार से हमने यूरिया का निम्कोट 100% किया। 100% के पीछे इरादा हमारा यही था कि गरीब से गरीब किसान तक भी यूरिया पहुंचने में रुकावट ना हो, यूरिया डाइवर्ट होता है बंद हो, और उसमें हम सफल भी हुए। छोटे और सीमांत किसानों के लिए हमने पहली बार पेंशन की सुविधा की योजना लेकर के आए, और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे हमारे छोटे किसान भी आ रहे हैं।
उसी प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये सिर्फ एक रोड नहीं है, ये किसानों की गांव की जिंदगी को बदलने का एक बहुत बड़े यश रेखा होती है और इसलिए हमने उस पर भी बल दिया। पहली बार हमने किसान रेल की कल्पना की, छोटा किसान का माल बिकता नहीं था, आज किसान रेल के कारण गांव का किसान रेलवे के माध्यम से मुंबई के बाजार तक अपना माल बेचने लगा, फल सब्जी बेचने लगा है, उसका लाभ ले रहा है, छोटे किसान को फायदा हो रहा है। किसान उड़ान, किसान उड़ान के द्वारा हवाई जहाज से अब जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अभाव में वहाँ का किसान हमारा बेनिफिट नहीं ले पाता था, आज उसको किसान उड़ान योजना का लाभ मिल रहा है।